नमस्ते, भाव क्रिएशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आजकल भागदौड़ वाली जिंदगी में सभी लोग बहुत सारी बीमारियों से परेशान रहते हैं, लेकिन खून की कमी हो जाना या फिर एनीमिया हो जाना, आयरन की कमी होना, ये सब चीजें भी आजकल एक छोटे सभी के घर में मिल जाएगी। यानी कि खून की कमी आजकल एक नॉर्मल चीज हो गई है, किसी ना किसी को घर में सबको रहता ही है। अगर आप भी इस तरह से परेशान हैं कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, आपका खून बन नहीं रहा या आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो आपको ऐसी कौन सी चीज अपनानी चाहिए जिसकी वजह से आपका जल्दी जल्दी से खून बढ़ने लगे, आपके खून में बढ़ोतरी हो, तो आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, नए दर्शक सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना। खून की कमी आप देखेंगे तो प्रेगनेंसी में भी बहुत ज्यादा महिलाओं में होती है, बच्चों में भी आजकल खून की कमी पाई जा रही है, या फिर आप देख लीजिए कि किसी भी उम्र के अंदर आपको खून की कमी वाले व्यक्ति मिल जाएंगे। ऐसे में हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों पे हम ध्यान देते हैं, बहुत सारी पौष्टिक चीजें हम खाते हैं, लेकिन जितना हमारे शरीर के अंदर आयरन जाना चाहिए उतना आयरन हमको नहीं मिल पाता। चाहे हम हरी सब्जियां खा ले, चाहे हम चुकंदर का जूस पी ले, चाहे हम अनार खा ले या फिर किशमिश खा ले, गुड़ खा ले, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिससे कि खून बनता है और खून साफ होता है और खून जल्दी जल्दी बनने लगता है। लेकिन बहुत सारी चीजें करने के बाद भी अगर हमारा खून नहीं बन रहा है तो एक ऐसी चीज है जिससे कि खून बड़ी जल्दी से बनने लगता है, और आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर ही आपको काफी आराम मिला है, आपके खून की जितनी भी कमी है वो दूर हो गई। कमी हो जाने से आप देखेंगे कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करता है, उसको थकान बहुत जल्दी आने लगती है, शरीर में कई तरह के दर्द होने लगते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो पूरी बॉडी के अंदर उसको दर्द महसूस होगा, सिर दर्द होने लग जाएगा, बाल झड़ने लग जाएंगे या फिर चेहरे पर से रौनक चली जाएगी, उसका पूरा शरीर जो है पीला पीला सा पड़ जाएगा, आंखें सफेद हो जाएगी और खून की कमी हो जाने से व्यक्ति बहुत ही ज्यादा शिथिल हो जाता है। अगर आप भी इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है कि आपका खून जल्दी बनता नहीं है, या डॉक्टर्स ने आपको बोला है कि आपके शरीर में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि खून होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी क्वांटिटी में हमको खून की जरूरत होती है, अगर हमारा खून उतना नहीं होता है तो बहुत सारी बीमारियों के लगने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा हो, आप किसी रोग से पीड़ित हो, तो आपको खून बढ़ने वाली चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए, और साथ ही मैं एक ऐसी चीज बता रही हूँ उसे भी आपको जरूर खाना चाहिए। कमी सभी को होने लग गई है, बच्चे बड़े या फिर किसी भी व्यक्ति को। अगर आपके घर में बच्चा है उसको खून की कमी है, अगर आपके घर में कोई महिला है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर कोई वृद्ध औरत है, या फिर कोई पुरुष है, क्योंकि खून की कमी सब में पाई जा रही है। अगर किसी भी को व्यक्ति को अगर खून की कमी है तो ये उपाय सबके लिए है, यानी कि इसे बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं और बूढ़े भी खा सकते हैं। खाने से आप देखेंगे कि आपके शरीर में खून बनने लगा है, आप एक महीने के बाद चेक करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका खून सही ढंग से बनने लगा है, आपकी हीमोग्लोबिन की कमी को दूर कर देगा, आपके शरीर में आयरन को भरपूर कर देगा। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की तरफ। तो ये है मेरे हाथ में अंजीर, इसे आप देख सकते हैं, ये इस तरह की दिखती है, कुछ मोटी सी, कुछ किशमिश की तरह, और इस पर कुछ लगे होते हैं दाने। मैंने खुद इसका प्रयोग किया हुआ है क्योंकि मुझे भी खून की कमी होने लग गई थी, क्योंकि पूरा दिन हम महिलाएं काम करती रहती है और फिर हम हमारे शरीर पर खाने पीने का पूरा ध्यान नहीं देते, और आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी स्वादिष्ट खाना खाने में ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कि चटपटा खाना सबको पसंद होता है। ऐसे में अगर हम बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं या तला गला खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में सबसे पहले खून की कमी होने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर को पता नहीं चलता, लेकिन हम जब जंक फूड खाते हैं तो हमारे शरीर जो खून होता है उसकी भी कमी होने लगती है। तो मेरे शरीर में भी कुछ इसी प्रकार से था कि मैं काम बहुत ज्यादा करने लग गई थी, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं देती थी, और इसी तरह से मेरे सेहत बहुत ज्यादा गिरने लगी। तब मुझे पता चला कि मेरे शरीर में भी खून की कमी हो रही है, और मैंने फिर अंजीर का प्रयोग किया। ये है अंजीर, और ये आराम से ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर आपको आराम से मिल जाएगी, और इसे खाना बहुत ही साधारण है, इसे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है, ये बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी खा सकता है, स्वाद मीठा होता है, ये किशमिश की तरह ही लगती है। अब इसको खाना कैसे है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जिस भी व्यक्ति को खून की कमी है उस व्यक्ति को हमेशा 2 या 3 भूखे पेट अंजीर खा लेना चाहिए। सुबह सुबह जब आप भूखे पेट रहते हैं तो आपको 2 या 3 अंजीर का सेवन करना चाहिए, अच्छे से चबा चबा कर इसको खाना है, और इसके ऊपर आपको गर्म दूध पीना है। अगर आप इस तरह से 1 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर में खून की कमी बिल्कुल नहीं है।
बच्चे इसका जो जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो आप उसको एक दे दीजिए, अगर उससे भी ज्यादा छोटा बच्चा है तो आप उसे आधा दे दीजिए, अगर 10-12 साल का बच्चा है तो इसे 2 अंजीर वो भी आराम से खा सकता है। तो अंजीर से खून बढ़ता है, ये बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए और आप इसका सेवन रोजाना कर सकते हैं। यानी कि आप दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं और खून की कमी आपके शरीर में कंटिन्यू बनी रह रही है तो आप अंजीर का सेवन करके देखिए, आप खुद को लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक महीने तक अंजीर खाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में खून बनने लगा है। तो अंजीर खून बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है। उसके साथ में हमें हरी सब्जियां खानी है, योग करना है, चाहे हमें चुकंदर खाना है, टमाटर खाना है, सब चीजें खानी है, लेकिन आप अंजीर का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर खून की कमी बिल्कुल नहीं रही है। तो अंजीर खाने से बढ़ता है खून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक बिल्कुल करिए, नए दर्शक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।